ले शुरू होगे माया की कहानी। आखिर दोस्तों, ले शुरू होगे माया की कहानी छत्तीसगढ़ी फिल्म ने अब तक कितना रुपए की कमाई किया है और इस फिल्म में किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला और इस फिल्म का रिलीज होने से लेकर अभी तक टोटल बजट कलेक्शन का लाइव प्रूफ जानकारी आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहें दोस्तों वीडियो में पूरा लास्ट तक। हेलो दोस्तों, मैं चुनेश्वर पटेल, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर करें। दोस्तों साल 2023 में रिलीज हुआ फिल्म ले शुरू होगे माया के कहानी फिल्म ने पूरा छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में तहलका ही मचा दिया था। दोस्तों आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि ले शुरू होगे माया के कहानी फिल्म को छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि भारत के कई अन्य राज्य में भी इस फिल्म को लगाया गया था और अच्छा खासा रुपीस कमाई किया था। दोस्तों छत्तीसगढ़ में यह पहला फिल्म है जिसने छत्तीसगढ़ में सभी मूवी का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है और सबसे ज्यादा अर्निंग कमाई करने वाला पहला फिल्म साबित हुआ और इस फिल्म को बनाया है छत्तीसगढ़ का फेमस डायरेक्टर सतीश जैन सर और फिल्म का निर्माता छोटेलाल साहू द्वारा निर्मित फिल्म है और दोस्तों इस फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका निभाया है छत्तीसगढ़ में कॉमेडी किंग की नाम से प्रसिद्ध अभिनेता अमलेश नागेश और अभिनेत्री एल्सा घोष है। दोस्तों इस फिल्म ले शुरू होगे माया के कहानी को स्कूल लव स्टोरी पर बनाया गया है। यह मूवी एक लव स्टोरी पर आधारित है। जब दोस्तों इस फिल्म को 5 मई 2023 को सिनेमा हॉल में लगाया गया तो एक ही दिन में 20 या 30 लाख के बीच में कमाई कर लिया गया था। दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए लोगों में इतना भीड़ उमड़ गया कि इस फिल्म को बहुत से लोगों ने खड़े होकर भी देख रहा था। कई लोगों को तो बैठने के लिए सीट भी नहीं मिल पा रहा था, जिसने बॉलीवुड फिल्मों को भी पीछा छोड़ दिया था। बता दे दोस्तों, अमलेश नागेश जी का जितने भी फ्रेंड फ्लावर है वह इस मूवी को देखकर बेहद खुश हुआ और वह 4 से 5 बार नजदीकी सिनेमाघर में जाकर इस मूवी को लगातार देख रहे थे। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस फिल्म को रिलीज होने से लेकर अभी टोटल अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक लगभग 26 करोड़ या उससे भी ज्यादा रुपए की बीच में कमाई कर चुका है और अभी के टाइम में भी इस फिल्म को सिनेमा घरों में लगाया जा रहा है और अभी भी इस फिल्म को देखने के लिए लोगों में दिलचस्प और भीड़ लगा रहता है और दोस्तों यह फिल्म निरंतर आगे बढ़ता ही रहेगा। तो दोस्तों ले शुरू होगे माया के कहानी फिल्म आप लोगों को कैसा लगा, नीचे कमेंट में अपना राय जरूर देना।